हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनद सिंह सो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर जल्स आर आउट नाउ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू शुड स्टार्ट योर पर्परेन्स फॉर द इंटरव्यूज़ कैसे आपको इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी चाहिए सो इफ़ यू हैव स्कोर एनी थिंग बियड इट्स अ गुड स्कोर राइट आई वोट से यू शुड स्टार्ट योर प्रपरेशन अगर आपके सिक्सटी फाइव मार्क्स आएँ आई वोट से कि आप अपनी तैयारी शुरू ना करें हंड्रेड यू शुड डू दैट राइट

So, my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years. And if there is any doubt in documentation or anything, drop me a WhatsApp message. I'm going to help you out, right? So, in the interview, the first question that the interview panel is going to ask you is regarding introduce yourself. So try to keep it simple. Try to keep it to keep to keep it simple. Uh थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी है वो आपने बताना है कि आप में ऐसी क्या एबिलिटीज हैं जिससे बैंक को फ़ायदा होगा राइट सो डोंट ब्रैग अबाउट एनी एमएनसी या उस पर मेरा इतना पैकेज है या मेरे फादर ये काम करते हैं हमारी इतनी ज़मीन है डोंट ट्राई टू बी कैजुअल आप अपना सिंपल क्या बताएंगे वहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू Uh, your name city city name uh, then just after that your education so education may if you have done graduation or post graduation jahan se bhi hai, you tell that okay after that you need to explain about your work ex maybe they, they'll ask you whether you are married or unmarried from uh, from the perspective of the panel it is very important to know your personal life right क्या आप अपनी फ़ैमिली के साथ शिफ्ट uh, होंगे कि नहीं होंगे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोग इंटरव्यू uh, दे देते हैं लेकिन बाद में वो ज्वाइन नहीं करते बिकॉज ऑफ़ द लोकेशन तो वो मेक श्योर sure करना चाहते हैं कि उनके एफर्ट्स बेकार ना जाएँ राइट सो सिटी द एडुकेशन द वर्क एक्सपीरियंस दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट सो हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट टेक अ मिररर आई वुड रिकमेंड यू टेक अ मिररर या टेक अ फ़ोन रिकॉर्ड योर अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए इंट्रोडक्शन uh, वाले पार्ट में हेलो माय नेम इज़ रमनदीप सिंह थोड़ा फम्बल uh, बहुत करते हैं आई हैव नोटिस दे फंबल अ लॉट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट क्लियरली यू आर गोइंग टू बी अ स्केल टू स्केल थ्री मैनेजर राइट सो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दैट्स एन इशू सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट है आपने फंबल नहीं करना है स्मूथ फ्लो में बात करनी है आंखों में आंखें डाल के आपने बातें बात करनी है पैनल के Don't laugh there, be formal. That's really, really important. So, you need to introduce yourself in that way. Fumble, karna try to keep everything simple, Ghar se practice, and do your homework. And then they are going to ask questions about your work experience. So, write it down whatever you are doing right now. Abhi ab jo bhi kar rahe Maybe you are a, a relationship manager at Excess Bank or a सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी एनी अदर यू नो अभी आप जो भी करें हो सकता है आपका ये वाला रिलेटेड एक्सपीरियंस पुराना हो अपलिजिबल हो राइट right? आपका जो भी प्रोफाइल है राइट ना हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो एज ऑफ द मोमेंट हो सकता है आप एल में डील कर रहे हो, हो सकता है आप कैश क्रेडिट में ज़्यादा डील करते हो, हो सकता है आप कॉरपोरेट लोन में डील कर रहे हो राइट कार्पोरेट क्रेडिट में ज़्यादा डील कर रहे हो हो सकता है कि आप लार्ज स्केल फार्म क्रेडिट में डील कर रहे हो सो दैट्स 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 ऑल यू नीड टू नो राइट हो सकता है कि आप अभी ब्रांच मैनेजर हैं राइट सो यू शुड नो द ब्रांच बैंकिंग तो वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट्स फॉर श्योर एंड वंस अ इंट्रोडक्शन इज इज डन वंस अ वर्क एक्सपीरियंस क्वेश्चन डन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है देन द क्वेश्चन वुड बी आज फ्रॉम बैंकिंग सिंपल प्योर बैंकिंग दे वॉन्ट टू नो वैदर द पर्सन हु एवर इज़ कमिंग टू द बैंक वेदर ही हैज़ द बेसिक बैंकिंग नॉलेज और नॉट सो बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज होना जरूरी है दैट डिपेक्ट्स कि आपको बैंकिंग ऑपरेशन की नॉलेज है यू नो अबाउट वट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड आपको बेसिक्स पता है किसान क्रेडिट कार्ड के आपको पता है मुद्रा योजना क्या है उसकी उसमें कैसे काम होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है आपको पता है उद्यम उद्योग आधार का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है कौन सी वेबसाइट पे बनता है कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है कहाँ कहाँ पे नहीं है के वाई सी नॉम्स क्या हैं लॉकर के जो नॉम्स हैं लॉकर जो जिनके लॉकर हैं बैंक में उनके कुछ एक चेंजेस आए हैं उनके Uh, जो जो अग्रीमेंट होता है बैंक और लॉकर होल्डर का उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी आपने कब तक वो उसको कंप्लीट करना है के वाई सी को बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट सो ऑल दीज यू आर सपोज टू नो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए दैट डिपिक्ट आपको अच्छी बैंकिंग की नॉलेज है जनरल बैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिक नॉलेज अबाउट द बैंकिंग प्रोडक्ट्स द बैंकिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है राइट right? बैंक में डे टू डे जो भी हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग इश्यूज़ वाई एन पी इज़ हाई एट योर पर्टिकुलर ब्रांच जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा है तो क्यों है आप कैसे कम कर सकते हो ज़्यादा हो कैसे गए आपके जो सीनियर्स है उन्होंने ऐसे कैसे लोन दे दिए कि एन इतने हाई हैं सो बेसिक नॉलेज राइट आर बी आई सर्कुलर रिलेटेड टू क्रेडिट एंड द रिस्क मैनेजमेंट दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पर मैं कहूँगा इवन के वाई सी वाले आई आर ए सी नॉर्म्स ये भी आर बी आई सर्कुलर है प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग पी एस एल ऑल दी सर्कुलर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रेडिट मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं एन पी ए सरफाइसी एक्ट सिबिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशियो एनालिसिस इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक नॉलेज होनी बहुत बहुत ज़रूरी है आपको ठीक है जमेंट के इशूज ऑब्वियसली यू नीड टू नो द क्रेडिट मैनेजमेंट इशू तो आप स्केल टू स्केल थ्री में जा रहे हो क्रेडिट मैनेजमेंट के जो बेसिक इशूज है यू नीड टू नो आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ लोन कैसे काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या है हर एक लोन की एलिजिबिलिटीज क्या है यू यू आर सपोज टू नो इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है फॉर ईच टाइप ऑफ लोन्स वेदर इट इज गोल्ड लोन कॉर्पोरेट लोन और कार लोन बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए वेदर वो एक छोटे छोटे लोन्स हैं लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग एट द टॉप लेवल आप एक अच्छे लेवल पर स्केल टू स्केल थ्री पे काम करें बट यू आर सपोज टू नो ऑल दैट राइट मूविंग फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर वेन आई से डॉक्यूमेंटेशन देर अ प्रॉपर चैप्टर इन द कॉर्स उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है आपका लिमिटेशन एक्ट है लिमिटेशन लॉ है तो वी हैव कवर्ड दैट दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके डॉक्यूमेंटेशन भी आपने कवर करना है बेसल नॉर्म्स आपने कवर करने हैं दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एनी फॉर ऑल द बैंकिंग एस्परेंट्स नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आई वुड से स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फॉर यू इफ़ यू आर गोइन टू वर्क एट अ बैंक एज अ स्केल टू स्केल थ्री ऑफिसर अगर आपको चेक बाउंसिंग का प्रोसीजर ही नहीं पता हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ अ गुड बैंकर तो ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यूज आर बी आई की जो एक गाइडलाइंस हैं वर्किंग ऑफ द आर बी आई एम पी सी वट इज़ एस एल आर सी आर आर ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं यूनियन बजट द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बेसिक से क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस क्वेश्चन बैंकिंग क्वेश्चन और उसके बाद द क्वेश्चन प्रोफाइल दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम ठीक है सो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस इसमें हम क्या करते हैं लिमिट टेल यू वी स्टार्ट द इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस विद अ सिंपल मॉक इंटरव्यू एक फर्स्ट मॉक इंटरव्यू सेशन करते हैं देन यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ योर मिस्टेक्स आपको पहले ही सेशन में पता चल जाता है कि वेदर देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेशन में दिक्कत है आपके आ, या वेदर यू आर योर आंसर्स आर नॉट लॉजिकल कई बार इलॉजिकल आंसर्स आप देते हो सो इंस्टेड ऑफ मैसिंग अप विद योर रियल इंटरव्यू हम आपकी दो इंटरव्यूज स्टार्ट अभी ले रहे हैं सो वी स्टार्ट विद अ मॉक इंटरव्यू वी टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर सो आफ्टर द मॉक इंटरव्यू वी प्रोवाइड द प्रॉपर स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट्स फॉलोड बाय द डेली अपडेट्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन राइट डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं एंड देन वी डू अ फुल फ्लेज मॉक इंटरव्यू अगेन so we are doing two mock interviews for all the students right and you can join the bank of maharashtra scale 2 scale 3 interview preparation course in which there are mock interviews video classes and q&a's right so link to join the course is available in the description please check the description and list of our successful students in the pnb so credit officer 2023 all these students they took a course in the previous years and they cracked the respective exam and bank of maharashtra journalist officer 2023 the result was out in the first quarter of the year uh, year 2023 ka hai, 22 ka hai, result 2023 mein hai tha. and then this is for rrb scale 2 scale 3 2022 bank of maharashtra जर्नलिस्ट ऑफर 2022 ट्वेंटी ये 2021 का है रिजल्ट 2022 में आया था सो ऑल दीज स्टूडेंट्स टू का कोर्सेज इन द पास्ट एंड द क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम एंड यू कैन बी वन ऑफ देम इन द फ्यूचर सो लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स आल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अस डे एंड वंस अगेन दिस इज माई वाट्सएप नंबर वे यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई गोइंग टू आंसर योर डाउट सो थैंक यू एंड है नाइस डे बाय